नान फिर 25 रुपए का हो गया, रोटी 16 रुपए में मिलेगी। मुतहदा नान रोटी एसोसिएशन और जिले इंतजामिया में मामला तय। जिले इंतजामिया नान की कीमत 25 रुपए करने पर असमंद, एसोसिएशन रोटी 16 रुपए में फरोख्त करने पर आमादा। सीनियर नाब सदर वहीद अब्बासी ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पंजाब का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ, पंजाब भर में आटे के थैलों की कीमत में रिकॉर्ड कमी। 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक वाजे कमी। लाहौर डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब। मार्केट में रसद बढ़ गए, मुर्गी के परकट का गोश्त की कीमत 32 रुपए कमी, 438 रुपए किलो मुकर। जिंदा मुर्गी का थोक रेट 291 पर, परचून रेट 302 रुपए किलो मुकर, फार्मी अंडे 254 रुपए दर्जन बरकरार। पांच मरला के घर पे 300 रुपए कूड़ा टैक्स लगेगा, 10 मरला घर पर 500 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज। घरों से कूड़ा करकट उठाने पर टैक्स लगाने की तजवीज इरसाल, एक किनाल, दो किनाल, चार किनाल और आठ किनाल के घरों पर भी टैक्स लगाने की तजवीज। महकमा बल्दियात ने सड़कों गलियों सीवरेज के लिए 22 अरब मांग लिए, वास्ता 12 अरब रुपए से लाहौर की वाटर सप्लाई स्कीम में बनाया था। काबीना कमेटी की जानिब से लाहौर के लिए पैकेज मंजूर किया गया था। होनहार तुलबा तालिबात को स्कॉलरशिप देने का मंसूबा, वजीर आला इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, 26 अरब खर्च किए जाएंगे। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए तुलबा तालिबात को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। आइंदा माली साल से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज होगा। हुकूमत को उस्तादी लगाने वाले स्कूलों का नंबर लग गया, पहले मरहले में 0 टीचर स्कूल आउटसोर्स होंगे। पंजाब भर में 550 प्राइमरी स्कूलों में 0 टीचर्स होने का इंकशाफ। स्कूल मालिकान को फी तालबिल 650 रुपए अदा किए जाएंगे। महकमा तालीम ने स्कूलों का रिकॉर्ड मांग किया। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में तलबा की नादरा से वेरिफिकेशन कराने का फैसला। गाड़ियों को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर लूटने वाला डाकू गिरफ्तार, सेल सिटी ने हादसे का रंग देकर लूटने वाले डाकू को की वीडियो जारी कर दी। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार डाकू ने जानबूझकर पीछे से हिट किया। गन पॉइंट पर लूटमार करने की कोशिश, मजाहमत पर गोली चला दी। मॉडल टाउन अदालतें मुंतकिल करने और दहशतगर्दी के मुकदमात, लाहौर बार की अपील पर वकला की हड़ताल, कोई वकील अदालतों में पेश नहीं हो रहा। वकला की रैली एवाने आदल से हाई कोर्ट तक जाएगी। जलाओ घिराओ के मुकदमात का ट्रायल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश, सनम जावेद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी की अदालत में पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। खातून ने शोहर से खर्चे के लिए दावा दायर कर दिया, बुशरी रावी की उज्मा बीबी दो बच्चियों को लेकर अदालत पेश, शोहर मोहम्मद अनवर 15 साल कबल मुझे और बच्चियों को छोड़कर बैरून मुल्क चला गया, खर्चा दिलवाया जाए। अदालत ने खातून के शोहर और वालिदैन को नोटिस जारी कर दिए। किचन का सामान नाकिस क्वालिटी का क्यों दिया, इकबाल इंजीनियरिंग कंपनी गुलबाग के खिलाफ दावा दायर। लाहौर केंट के फरहान शहजाद ने 5 लाख का जाने का दावा दायर किया, सारिफ अदालत ने मदई और वकील को नोटिस जारी कर दिया। कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन कल से शुरू होगा, हज ऑपरेशन 9 मई से 10 जून तक जारी रहेगा। पहली हज परवाज PK717 लाहौर से मदीना के लिए रवाना होगी। PIA 34,000 आजमीन को 170 परवाजों के जरिए हजाज मुकद्दस तक पहुँचाएगी। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब रोजगार स्कीम स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेटस की आबादकारी का जायजा लिया। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सिदरा यूनिस ने ब्रीफिंग दी। सुबह वजीर ने कहा इंडस्ट्रियल स्टेटस में सिर्फ कारखाने ही लगेंगे। IG डॉक्टर उस्मान अनवर से सब इंस्पेक्टर की मुलाकात, बेटे की तरफ से एयरफोर्स ट्रेनिंग में एजाजी शमशीर हासिल करने पर सब इंस्पेक्टर को गले लगाया।
कैंट और मॉडल टाउन डिविजन्स की कारकर्दगी बारे इजलास। डीसीपीओ बिलाल सदीक अमियाना ने सदारत की। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस ऑफिसर्स को इनाम देने का ऐलान। मुतल्लिका अफसरान से सिफारिशात तलब। बोले सालीन को थानों और दीगर दफातर में कोई मसला ना हो। बागों के शहर में सूरज की आग बरसाते के ने गर्मी ने अतमचा दी। पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया, 42 डिग्री तक जाएगा। शहरी ने ढाल, 10 से 12 मई तक बारिश का इम्कान। लाहौर और रुड़की में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया शरा 302 रिकॉर्ड। पीडीएम ने कहा हीट व्यू, बारिशों का अलर्ट जारी। और गुलकार शहराज सफल का 9 मई के हवाले से गाना वतन मेरे रिलीज। गाने की शायरी मुबशर हसन ने लिखी। वीडियो में पुरतशद्दुद वाकयात को भी नुमाया किया गया।